माय लवली व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपने अपने घरों में तहफ़ से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बताने वाली हूँ जो ना सिर्फ आज बल्कि कई सदियों से मिस्ट्रियस बना हुआ है। इस हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए इंडिया और फॉरनर्स दोनों आते हैं। जी हाँ नाजरीन, आज मैं आपको बोटैनिकल गार्डन के बारे में बताने वाली हूँ और इसकी बहुत सारे फैक्ट से आपको आगाह करने वाली हूँ, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों इसे इन तक ज़रूर देखें। तो चलिए व्यूअर्स, आज के अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोटैनिकल गार्डन का प्रीवियस नेम इंडियन बोटैनिक गार्डन था, मगर 5 जून 2005 में इसका नाम चेंज करके आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन रखा गया। ये गार्डन कोलकाता के नेबरिंग सिटी हावड़ा के सिपुर में वाक़ है। गार्डन काफ़ी वसी और अरीज एरिया में फैला हुआ है। इसका एरिया 109 एकड़ है। 109 एकड़ की ज़मीन पर 12,000 से ज़्यादा रेयर प्लांट्स मौजूद है। इस गार्डन की देख रेख और इस गार्डन की तमाम तरह की जिम्मेदारियाँ बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया उठाती है। इस गार्डन को 1787 ईस्वी में रॉबर्ट कीड ने बनवाया था। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे। इस वसीउ अरीज गार्डन को इन्होंने कमर्शियल वैल्यू ऑफ प्लांट और स्पाइसेस के बिजनेस के लिए बनवाया था। इस गार्डन को एक फेमस डिजाइनर विलियम रॉक्सबर्ग ने डिजाइन किया था। जब 1793 ईस्वी में विलियम रॉक्सबर्ग बोटैनिकल गार्डन के सुप्रिंटेंडेंट बने, तब इन्होंने यहाँ के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन में चेंज की। चूँकि ये गार्डन साइंटिफिक रिसर्च के तहत बनवाया गया है, लिहाजा यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत सारे प्लांट्स भी उगाए गए हैं। इसके अलावा 1970 ईस्वी में बोटैनिकल गार्डन की कम्युनिटी ने यहाँ पर एक प्रोग्राम भी करवाया था, जिसके तहत इन्होंने यहाँ के कमर्शियल वैल्यू ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया और साथ ही साथ प्लांट से होने वाले बेनिफिट्स को भी बताया। बोटैनिकल गार्डन दरअसल एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली गार्डन है। यहाँ पर प्लास्टिक को ले जाना सख्त मना है। ये एक नो प्लास्टिक जोन है। इस गार्डन का एक अहम लैंडमार्क द ग्रेट बनियन ट्री है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त है जो 330 मीटर के सरकमफ्रेंस में फैला हुआ है। पूरी बोटैनिकल गार्डन की सबसे अट्रैक्शन भरी चीज़ यही बनियन ट्री है। इस बनियन ट्री को देखने के लिए हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी प्लांट्स के कलेक्शन मौजूद है, जैसे ऑर्चिड प्लांट, पाम प्लांट और बैम्बू प्लांट। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे इंडियन फॉक्स, इंडियन मोंगूस और जैकल। इन सब चीज़ों के साथ साथ ये गार्डन अपने मुख्तलिफ अकसाम के सांपों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। ये गार्डन दो टाइम्स में खुलता है, एक मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक और दूसरे विजिटर्स के लिए सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो माय लवली व्यूअर्स, आज का मैं अपना सेक्शन यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से मेरे मोटिवेशन में काफ़ी इजाफा होता है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।